हेलो दोस्तों, आज हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के एग्जाम्पल को सॉल्व करना सीखेंगे। मैंने अपने पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत इसकी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की सारी जनरल एंट्रीज को प्रॉपर वे में समझाया था और उसका सिलेक्टेड एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिखाया था। लेकिन आज हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। ये एक क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड की गिवन है। इशूड इसमें इक्विटी शेयर 1 लाख की, 7% प्रेफरेंस शेयर भी 1 लाख के, सिंडिकेटर्स 1,40,000, गुडविल भी दे रखा है, फिक्स एसेट्स भी, स्टॉक डेटर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, हम लोग को सारे बैलेंसेस यहाँ पर गिवन है, राइट। अब हमें इसमें रिकंस्ट्रक्शन स्कीम पास हुई है हमारी जनरल मीटिंग के का SR पास करके कंपनी ने। 7% प्रेफरेंस शेयर को रिड्यूस कर दिया जाएगा 8% के अंतर्गत और 6 रुपये का एक शेयर हो जाएगा। यानी कि तो हम लोग जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख की, 1 लाख की जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारी, 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, हमने इसको डेबिट किया और अब इसके शेयर का प्राइस 6 रुपीज़ के हिसाब से हो जाएगा, यानी कि 60,000 हो जाएगी और 40,000 रुपीज़ का कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पर हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। ईच इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस 2 रुपीज़, 4 रुपीज़ या 4 रुपये तक कर दिया, 6 रुपये इसमें भी कम कर दिए गए। 6 रुपीज़ से हमने प्रेफरेंस इक्विटी शेयर को भी कम कर दिया, 1 लाख इक्विटी शेयर दे रखे तो इक्विटी शेयर हमारी कैपिटल कम हो गई 6 रुपये के हिसाब से। 60,000 रुपीज़ से, 60,000 रुपीज़ से हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को कम कर दिया। टोटल कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 40,000, 60,000, 1 लाख रुपीज़ हमारे क्रेडिट हो गए थे, इसको हमने डेबिट करके हमने अकाउंट को राइट ऑफ किया, जिसमें P&L अकाउंट को हमने राइट ऑफ किया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 40,000 रुपीज़ से, तो 40,000 रुपीज़ हमने इसको यहाँ पे क्रेडिट कर लिया P&L को। इसके बाद हम लोगों ने गुडविल अकाउंट को 30,000 रुपीज़ से दे रखा था, तो गुडविल को भी हमने राइट ऑफ करा 30,000 एंड उसके पास 30,000 बचते हैं। फिक्स एसेट्स टू बी रिटेन ऑफ बैलेंस एंड कैपिटल रिडक्शन, बचे हुए पैसे को हमने फिक्स एसेट्स को रिड्यूस कर दिया, फिक्स एसेट्स को हमने रिड्यूस कर दिया, राइट। तो ये पूरा 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हमारा राइट ऑफ हो गया, राइट। होपली आपको ये टॉपिक, ये जनरल एंट्री कैसे बनाई जाती है प्रॉपरली, इसको समझ में आ गई होंगी आपको। अब अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत जनरल एंट्री के साथ बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है वो आपको बताऊंगा। होपली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।